सारे दर्शकों ने राम राम। मैं मनजीत कोत आज पहुंच रहा हूं किठाना में, और किठाना में गजब की चीज़ आपने दिखावांगे। गजब की चीज़ क्यों कही हमने, अगर आज बात करा जो यो देश अपना कृषि प्रधान देश है, क्योंकि 70% जो गाँव में आबादी रहा है वह खेती पर निर्भर हुआ है, और खेती जो किसान खेती करा है उसका साथी हुआ है बैल, और जो उसके साथ में रहा है उसकी पत्नी, उसका परिवार। तो आज अगर बात करा, एक मूर्तिकार है, उसने अपने माँ बाप की फोटो बनाई है, मूर्ति बनाई है, बैल बनाए है, बिल्कुल गजब के तरीके से दर्शाया गया है। तो बिल्कुल तस्वीरों में आप देख सकते हैं, छत का ऊपर रख रखे हैं। आज अगर देखा जाए तो एक ट्रेंड हाँ चल रहा है छत पर मूर्ति रखने का, लेकिन यो किसान का बेटा ना अपने माँ बाप की खुद मूर्ति बनाई है, अपने माँ की भी अपने बाप की भी मूर्ति बनाएगा, और साथ में बैल और चलांदिया की मूर्ति बनाएगा, छत पर रख दी है। बिल्कुल देख सकते हैं तीसरी मंजिल पर मूर्ति रखी गई है। और भी अगर देखा जावे तो बहुत से लोग ट्रेंड बना रहे हैं, इसलिए कुछ कोई सुभाष चंद्र बोस की, कोई भगत सिंह की मूर्ति लगा हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन कई बार ऐसा आगता नुकागता पंजाब में बना है तो, और दूसरी स्टेट में बना है, लेकिन कड़ियाँ जान की जरूरत को नहीं। उरे का किठाना का कैथल जिले का किठाना का छोरा ने बिल्कुल तोड़ पैट दिया है। दोहरा चल का तस्वीर भी दिखावांगे, और उस भाई से बात भी करांगे किस प्रकार कुकर सीखा है, रेट भी पूछेंगे कितना कम से कम रेट में लायक जाए, अगर कोई नॉर्मल किसान है तो इससे कितने रेट में लुआ इसका, और किसी ने कोई मूर्ति लुवानी हो तो वो भी आप लोगों ने दिखाएंगे कितने के रेट में लग जाए, के कुछ मटेरियल यूज हुआ है, तो सारी बातचीत कराएं। बिल्कुल तस्वीरों में देख सकते हैं छत का ऊपर मूर्ति रख रखी, कितनी गजब की लागत है, जैसे कई रोड लागे उरत है, दूर तक अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया दिखा है, बिल्कुल गजब का सीन है, यानी फोटो खिंचवाने तक ऊपर लोग चढ़ा है। तो साथियों भाई तो बात करांगे और पूरी बातचीत उससे पहले लेंगे कि आखिर कुकर के सीखा और किस प्रकार बनाई जावे है। तो पहुंच गया भाई, और आपने दिखावांगे कि किस प्रकार एक किसान का बेटा ने अपने माँ बाप की मूर्ति बनाई है, और जो बैल है, बैला की जोड़ी की बात करा तो बिल्कुल गजब की बना रखी है, और किसान नाल चलान लग रहा है, और जो किसान की पत्नी है वह रोटी लेकर आने लग रही है, और बिल्कुल देखांगे कि किस प्रकार ये बनाई गई है। तो किसान है, और जो किसान की घराली है वो बना रखी है। तो ये भाई है, राम राम भाई साहब। राम राम भाई, क्या नाम है? कृष्ण है भाई। कृष्ण है, किस तरह मनमाई माँ बाप की फोटो साथ में बैल लगी? अरे भाई, या तो ले ले, बचपने का शौक था, बल्कि गांव वाले ने बोल दिया भाई पहले, पहले भाई ट्रैक्टर बनाओगा कि भाई के बनाओगा, भाई महा इच्छा है आपकी है, पहला गांव वाले की ले सोच विचारता है भाई, बोलिया भाई किसान का पुत्र है भाई, किसान की बना तू, मतलब बैला ही बना, इस प्रकार बताया है। हाँ हाँ, तो मतलब सीखा किस प्रकार था, कड़े सीखा भाई? मैं राजस्थान सीखा भाई। कितने साल पहला सीखा था भाई? मैंने 8-9 साल हो गए भाई। मतलब 8-9 साल का एक्सपीरियंस हो गया। हाँ हाँ भाई, अगर किसी प्रकार की मूर्ति बनवाओ तो बनाए दोगे? हाँ भाई, किसी प्रकार की मूर्ति बनवा सका भाई। मतलब नक्शा देना पड़ा है? हाँ, ले फोटो तो देना पड़ेगा ना, फोटो के हिसाब से बनता है सब। बिल्कुल भाई, किसी प्रकार की मूर्ति हमने नीचे जो इसकी शॉप है उसमें देखी है, बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ रखी हैं, वो भी आपने दिखावांगे, लेकिन बात इस पर करांगे कि किसान है, और किसान के घर वाली है, बैल है, किसान वाले जोड़ रहा है, तो पूछेंगे कि कर मनमाए गाँव वाले ने कहा, लेकिन बैला ही जोड़ी कहा था, माँ बाप की फोटो बनाई है, इस पर भी बात करेंगे। तो देखो गांव में हैं तो बैला ही जोड़ी क्या था, लेकिन माँ बाप के साथ में फोटो। हाँ भाई, भाई कोई बोल रहा था भाई ट्रैक्टर बना दे, कोई बोल रहा था भाई बैलन की जोड़ी, मेरे बाकी घर वाले तो पूछा भाई, घर वाले ने तो यह सुझाव दिया भाई बैलन की जोड़ी बढ़िया लगेगी। अच्छा, बैला की जोड़ी बढ़िया लगेगी, आज मेरे के लांदा रहो। तो नक्शा फेस तो बनाना था, फिर माता पिता का बना दिया। बिल्कुल। हाँ, तो मतलब अपना परिवार है, खेती करा है? हाँ, खेती करा भाई। अच्छा, तो अपने जो आपकी मम्मी पापा वो खेती कर रहे हैं? हाँ, खेती करें भाई। तो लाइए घुमाइए, दिखाइए इसकी मम्मी फोटो, मम्मी नहीं कहो, माँ कहो भाई, गलती में लिखड़ी है मर पे, मम्मी तो नहीं कहना चाहें। देखो फोटो है, बिल्कुल सेम है, मारे तो बुआ लग गए भाई, बुआ की फोटो बना रखी है, तो अपना गाँव की है तो बुआ लग गई, तो उसकी फोटो बना रखी, बिल्कुल नू की नू है, बिल्कुल सेम बना रखी है, और ये इनके पिताजी है, हमारे फूफा जी हैं भाई। तो मतलब नू का नू बना दिया नक्शा। हाँ, फूफा इतना तकड़ा तो कौन, देखिए पूरा तकड़ा बना दिया, मजबूती तो बनानी पड़ा भाई नीचे तो। अच्छा, मजबूती हाँ, मजबूती तो देनी पड़े नीचे तो।
मजबूती देनी पड़े। हाँ, ये भी नीचे का पता लगा तो फिर काम नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अगर देखो मजबूती पूरी इसमें सरिये वो जाल है भाई, लेंटर है यो, एक किस्म का मान ले सब। हाँ। यो है ना सारा निग्गर है भाई। अच्छा, मतलब कोई भी आंधी तूफान कुछ भी आए जो कोई दिक्कत नहीं भाई। आंधी तूफान आ लिए, एक साल तो ऊपर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। तो जोकर यह बलदा की जोड़ी है, ये बलद है बिल्कुल जोड़ी गजब की दिखन लाई, पूरी तकड़ी है। तो इस प्रकार अगर इस सेम यही टाइप बनवाओ तो कितना खर्चा है जी? भाई खर्चा यही है अभी, साइज के अनुसार बना है भाई। मतलब कम से कम कितना शुरू? मैक्सिमम तो बार भीतर जो चल रहे है आजकल 4 फुट का साइज चल रहा है, 50,000 में बना भाई। हाँ। बैद बाकी भाई ओए मैक्सिमम यही साइज है ना जो 5 फुट का अपना जो है फिलहाल। हाँ। पूरा हाँ। जो पूरा का 5 फुट का हुआ है बैल का। 5-7 की हाइट हुआ है, लंबाई 7 फुट और ऊंचाई 5 फुट हुआ है। तो यो करीबन पड़े जाएगा भाई 55 का हर एक का। अच्छा, मतलब 50 के आसपास कितना? हाँ। शुरू हो जाए, मतलब कम से कम भाई 40 तो शुरू हो जाए। ऊपर से कितना बनवा ले? हाँ ऊपर भाई कितने बड़े बनवा ले कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल भाई, ये सारा लिया भाई, बच्चा तक भी साथ में देंगे। अच्छा, मतलब के आ गया 50,000 की बात करा तो यो किसान बैलों की जोड़ी आ गई, किसान आ गया और भाई एक औरत आ गई, उसके घर आ गई, एक बच्चा आ गया भाई। बिल्कुल बच्चा, बच्चा तो बनाया नहीं है बाकी, बनाया को नहीं, बच्चे तो बड़े हो रहे हैं। हम बच्चे तो बड़े हो रहे हैं, ये तो बहू की जरूरत है। तो बिल्कुल भाई देख सकते हैं भाई ने गजब की कलाकारी कर रखी है। इसमें जो बैल है बिल्कुल तकड़े यानी अच्छे बनाए गए हैं, तो लोग देखे हैं तो बिल्कुल इनकी सराहना कर रहे हो। अगर गाम राम के अंदर देखा होगा नहीं तो के कहे थे उस टाइम? गाम राम के तो बढ़िया कहें भाई, सारे किसी का मुँह सो के सो नु कहें भाई बढ़िया कर दिया काम तेना। मतलब उरे बनावा पहले गाम की वैल्यू बना भाई, बढ़िया लग गया है। बिल्कुल पता है भाई, क्योंकि तो यह चीज रही नहीं, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी अपने उन्हें पता नहीं लगेगा भाई के चीज़ होया कर दी जुताई, के चीज़ होया कर दी, ठीक है नहीं। इस चीज़ इसलिए बनाई है देखें आगे सीखें बच्चे। बिल्कुल भाई देखने न मिल जाए, आज मशीनी युग जरूर है लेकिन पुरानी चीज़ भी जरूरी है। लेकिन थोड़ा फोकस है, शायद मैं भी भूल गया दिखा, लेकिन आज मैं और पुराने टाइम में फर्क दिखा है। आँख धोखा खा रही थी, जो पहना हुआ है वो पुराना जो अपनी संस्कृति है वो दिखन लग रही है। दामन कुर्ता ये पहन रही है, जो भी बुआ है दामन कुर्ता है, और ये क्या बोले गंठी 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 बोल भाई, सर का ऊपर रोटी है इसमें। हाँ रोटी है भाई, वो ले ले पानी का घड़ा है। हाँ पानी का घड़ा तंसला। हाँ पहले लेके जाया कर। फूफा ही बात करा दो, धोती कुर्ता। हाँ धोती कुर्ता, 20-25 साल हो गए खेती करता ना फूफा ना बड़ी। अपना ये ट्रैक्टर हो गया भाई अपना, मतलब पहला तो बैला के लिए चल रहा था, ये तो चलो मशीनी हो गया ट्रैक्टर और नहीं आ रहे, तो खेत में जाने की जरूरत ही को नहीं, सारा घर ही आ जाए भाई। क्यों? बिल्कुल भाई बिल्कुल सही बात बताई है। और मतलब और के कुछ बनाए दे हो जो कर बनाए रखा अपने ने, नीचे देखे किस मूर्ति आल चीज कुछ भी ना भाई, सारी चीज बनाए दे कोई दिक्कत नहीं। जब बनाने लगे ना कोई चीज छाननी नहीं भाई, भाई जैसी तस्वीर दोगे ऐसी सेम टू सेम बना दे। हां तक की जो भी है ना तस्वीर 50 फुट तक का कोई है जो टेंडर कोई दिक्कत नहीं। हां तो ये बाज है भाई, बाज भी देख सको, ये बाज बनाए रखा भाई ने। बहुत से लोग पहला मकान बनवाया करते, कोठी बनवा करते, उस पर बाज दरिया करते, कहते भाई बाज धरो इसका ऊपर है, अरे अलगे दिखा करता। लेकिन ईब के अलग सा ट्रेंड चल रहा है, रखा था भाई बाज भी रखा था पहले, ये बाज रख रखा था यहाँ, तो इसको उतारना पड़ा, फिर इनकी शो खराब हो रही थी। तो ईब तो बैला का ट्रेंड चल रहा है लगभग देखा तो। हाँ भाई यही है भाई, ट्रैक्टर है वैसे बैल है इस देश की जो रीढ़ है भाई, वो किसान है, किसान की खेती है। और नीचे और भी मूर्तियां बन रही है, देखो आप देखोगे नहीं आपका मन है जो बिल्कुल टिका टिका रह जाएगा। वो सारी मूर्तियां वो नीचे भी दिखाऊंगा कितनी गजब की बनाई रखी है। तो आपने ऊपर देख लिया है, बैला की जोड़ी थी, किसान था और किसान की ग्राली थी। लेकिन ईब आपने दिखाऊंगा, देखो बजरंगबली की फोटो, भगवान बजरंगबली, तो हनुमान जी की फोटो आप देख सकते हैं, मूर्ति है जो कितनी गजब की बनाई गई है। हर तरीके का हर जगह इसका देखोगे बिल्कुल अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया। कई बार देखा कई बार बना हुआ है मूर्ति अच्छी बना हुआ है लेकिन वो निकल, लेकिन उर्त थोड़ा अभी इस दे है, लेकिन जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिख पाता। जो बजरंगबली का अपने ये मूर्ति दिखने लग रही है, इसमें बिल्कुल गजब तरीके से डिजाइन करी गई है, किसी भी तरह कौन सी साइड तक देख सको हो। और अंदर और दिखाओगे आपने,
तो बहुत सी मूर्तियां रखी हैं, आप किसी भी प्रकार की कोई भी मूर्ति बनवा सकते हैं, जैसे संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति है, भगत सिंह की मूर्ति है, आज़ाद जी की है, सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह और जितने भी हैं, ये देवी देवताओं की मूर्ति है, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाई गई। ये बातचीत कराएंगे कि कितने का रुपया में कुकर बना है, तो कृष्ण मूर्तिकार है किठाना से है, जो बिल्कुल गजब की कला है। तो कृष्ण भाई, राम राम भाई, कृष्ण भाई, जो अगर एक मूर्ति का रेट तय कराने आप कितने का रुपया बना है भाई? 5 फुट का लगा ले भाई, 15,000 में तैयार हो जाएगी भाई। 15,000 में? मतलब मटेरियल किसका रहा है? मटेरियल भाई मेरा रहेगा दुकान में, अगर आगे बनवाता है तो अगलेगा भाई, मतलब पूरा बनवा तो आपका रहेगा। हाँ, और आगे अगला लेना पड़ेगा। हाँ, वो आगे अगलेगा भाई। बिल्कुल, मतलब कोई भी मूर्ति इतना साइज में बनवा तो? हाँ भाई, अगर कोई बड़ी बनवाना चाहे तो उसका क्या कुछ रहा है भाई? बड़ी का तो उसके हिसाब से ले ले, महीने के हिसाब से लगा लूँ भाई मैं। मतलब पूरे बनाएंगे या अलग कराया जाएगा? बनानी पड़ेगा भाई, बड़ी तो मूर्ति बनेगी 5 फुट या इसके ऊपर, 7, 8, 9 फुट की मूर्ति तो बनेगी वहीं पर। अगर इससे 7 फुट से, मान ले 6 फुट से कम है ना, तो दुकान पे ही शॉप पे ही बनेगी भाई। मतलब वजन का फर्क हो जाए, वजन ज्यादा हो जाए, वजन हो जाए भाई, ले जाने में दिक्कत होगा। तो मटेरियल ज़्यादा हो जाए, क्योंकि ये जो सीमेंट रेती बजरी हुआ है ये काफ़ी भारी हुआ है इस कारण। हाँ, वजनदार चीज़ है, तो इस करके अगला घर जाएगा बनानी पड़ा है। चाहे आप कोई भी देख लियो, काली माई की शेर चीते जो भी बनाए रखे, बिल्कुल अच्छे तरीके से डिजाइन कराए, बिल्कुल गजब की कलाकारी है भाई की। अगर किसी ने कोई भी मूर्ति बनवानी हो, बैला की जोड़ी बनवानी हो, किसान बनवाना हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, भाई तो सीधा संपर्क करके आप कोई भी मूर्ति बनवा सको। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।